गाइस आप लोग बार बार बोल रहे थे KTM Duke 390 का जो TFT डिस्प्ले है उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, क्या क्या चीज़ें आती है। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो TFT डिस्प्ले है उसके बारे में कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। गई जो वीडियो है गई वो मैं लाइव बना रहा हूँ, अगर कुछ गलतियाँ होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए लाइव वीडियो बनाते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ पे आपको रेडी टू रेस का एक लोगो दिखता है और ये ऑन हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली दिख रही हो आप लोग देख लीजिए। ये फ्यूल का है जो कि लो फ्यूल दिखा रहा है, ये आपका गियर इंडिकेटर है गाइस, ये RPM है, ये RPM इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक फ्यूल का है एक इंजन टेम्परेचर का है। ये ओडोमीटर है, ये किलोमीटर है, और ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है ABS सुपर मोटो। इसमें दो ऑप्शन है ABS के जो कि आप चेंज कर सकते हो, एक सुपर मोटो होता है एक रोड होता है। सुपर मोटो में जो रियर ABS होता है गाइस वो ऑफ हो जाता है। ये क्लॉक है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का एक लोगो मिल रहा है, इसका ब्लूटूथ ऑन है। मोबाइल कनेक्टिविटी करके किसका कॉल आ रहा है, किसका कॉल, अगर आपको कॉल कट करना है, कॉल पिकअप करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, तो ये एक फीचर जो है मुझे 390 का काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये ABS इंडिकेटर है, ये आपका गियर का है, देख पा रहे हैं, ठीक है, जो हम न्यूटन लगाते हैं उसका है। इंजन माल फंक्शन लाइट है यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को ये जो मिल रहा है मार्क ये इसलिए देता है गाइस ये एरो, अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है जैसे सर्विस है, लो फ्यूल है, तो ये ऑन हो जाता है हमेशा, क्योंकि ड्यूक 390 मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को पता ही होगा। ये आपका ऑयल का गाइस, ये फिलहाल भी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है और ऑन होगा, जब बाइक ऑन होगी तो ये ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिप वन मिलता है, ट्रिप टाइम है, ठीक है, ट्रिप वन मतलब कितना किलोमीटर चली हो आप देख सकते हो और कितने टाइम आपने चलाया वो भी चीज़ देख सकते हो। ये डेट है गाइस, ये बैटरी है, बैटरी वोल्ट होती है 12.5 दिखा रही है, अभी मैं ऑन करूँगा तो लगभग 14 चले जाएगी। ये फ्यूल रेंज है मतलब आपकी व्हीकल में कितना फ्यूल है और इस फ्यूल से ये कितने किलोमीटर और चलेगी गाइस, ये फ्यूल रेंज है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हो गई जो आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रही है, यहाँ पे आप और भी चीज़ें ला सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप इसे सेटअप कर सकते हैं, आप इसके अपर एंटायर करके अंदर जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रिप्स एंड डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इसके अंदर जाएंगे ये जनरल इन्फो है गाइस, जनरल इन्फो आपका डेट, ओडोमीटर, बैटरी दिखा रहा है। उसके बाद ट्रिप वन है, आप ट्रिप वन को जीरो भी कर सकते हैं, जीरो यहाँ से किया जाता है गाइस, सेट से इसे आप प्रेस करके रखेंगे तो ये जीरो हो जाता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्पीड भी दिखा रहा है कि आपने कितना स्पीड मेंटेन किया, ट्रिप टाइम, फ्यूल रेंज, और ये कौन सा आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रिप टू भी है, आपको ट्रिप वन एंड ट्रिप टू दोनों मिलता है। उसके नीचे आपको वार्निंग्स आती है जो कि लो फ्यूल की आ रही है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी में सर्विस का टाइम आ चुका है तो वार्निंग में आपको सर्विस भी दिखेगा, अभी जो वार्निंग है वो लो फ्यूल की है गाइस, तो ये पहली चीज़ें मिलेगी। उसके बाद मोटरसाइकिल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको एक ABS का ऑप्शन मिल रहा है जो कि अभी ये सुपर मोटो में है, यहाँ से आप रोड भी कर सकते हैं जिसमें आपका दोनों ABS काम करेगा, इजीली चेंज कर सकते हैं। ये किक शिफ्ट प्लस यानी कि किक शिफ्टर का गाइस, इसे आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। किक शिफ्टर आपको पता है 390 में आता है जो कि मुझे एक्चुअल में काफ़ी पसंद भी है। अब जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे दोस्तों आप लोग आपके जितने भी ऑप्शन है फेवरेट में जाके इसे आप इसमें ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ट्रिप वन है, जैसे स्पीडोमीटर को ऑन कर दिए, ठीक है, ये कौन सा हो गया ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप टू कौन, फ्यूल रेंज, डेट, बैटरी, फोन सिग्नल ऑन कर सकते हैं, फोन बैटरी ऑन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए फोन बैटरी, फोन सिग्नल अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा, तो ये इसके मीटर को आप ऐसे भी यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल के अंदर सबसे पहले ये तो हो गया सेटिंग्स के अंदर, सॉरी, ये किक शिफ्टर सेलेक्टर वन है, यहाँ से आप ऑडियो, ABS, ट्रिप वन, जनरल इन्फो, ये सारी चीज़ें भी ला सकते हैं। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं जो कि अभी ऑन है। डिस्प्ले थीम, देखिए डिस्प्ले थीम मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है, ये ऑटोमेटिक है गाइस, अभी यहाँ पे इतना थोड़ा सा उतना ज़्यादा लाइट नहीं है तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपको कौन से में मिल रहा है, ब्लैक कलर में मिल रहा है। जब ये बाइक बाहर जाती है इसमें थोड़ी सी सन पड़ेगी, लाइट पड़ेगा ना गाइस, तो ये वाइट हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिलेगी। और नाइट का ऑप्शन मतलब ये होता है गाइस कि अगर आप लोगों को जैसे दिन में भी डे में भी आपको इसको ब्लैक रखना है तो आप इसे ऑन करके इसे ब्लैक रख सकते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट लाइट हो गई, शिफ्ट लाइट अभी नहीं ओपन नहीं होगा गाइस, मैं आपको बता दूं, देखो क्या लिखा है, ये शिफ्ट लाइट मेनू इज नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किमी, जब ये 1000 किलोमीटर चलेगी ना तब ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट लाइट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये जो RPM लिमिट है ना आप उसे यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप 8500 लगे तो 8500 जाने के बाद आपका जो RPM है वो ब्लिंक करने लगेगा कि आप हाई RPM में। क्लॉक एंड डेट है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये यूनिट्स है गाइस, यूनिट्स, ठीक है, डिस्टेंस है, किलोमीटर या माइल्स किस में रखना है आप लोगों को, और ये फ्यूल कौन सा गाइस, ठीक है।
जो कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जी 1 किलोमीटर यहाँ पे किलोमीटर लीटर कर देंगे ना तो आपका ये माइलेज वाला ऑन हो जाएगा, कितना माइलेज दिखा रहा है वो चीज़ आपको इसमें पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइस लैंग्वेज में आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज है, इससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये सर्विस है, ठीक है, नेक्स्ट सर्विस दिखा रहा है 999 किलोमीटर, पहली सर्विस उतने में हो जाती है। एंड ये एक्स्ट्रा फंक्शन है KTM माई राइड, इसे आप ऑन कर सकते हैं, जब आप मोबाइल कनेक्टिविटी करेंगे तभी ऑन हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग अपना जो ऑडियो है उसे भी थोड़ा सा सेटअप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों KTM Duke 300 का कंप्लीट TFT डिटेल्स, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बताई। कोई चीज़ आपको लगा कि मुझसे छूटा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की जो इंटरेस्टिंग वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी।